हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अशफाक शेख, वेल्डर ट्रेड इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग पोजीशन। फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग जॉब डिफरेंट डिफरेंट टाइप में पाए जाते हैं। वेल्डर को इन पोजीशन के हिसाब से हमको जॉब को कम्प्लीट करना होता है। बेसिकली चार टाइप में पोजीशन होते हैं। फर्स्ट, फ्लैट पोजीशन। सेकंड, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। थर्ड, वर्टिकल पोजीशन। फोर्थ है ओवरहेड पोजीशन। फ्लैट पोजीशन को हम डाउन हैंड पोजीशन भी बोलते हैं। अब इन पोजीशन को जानने से पहले हम वेल्ड के बारे में जानेंगे। रनिंग वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उसमें दो टाइप के वेल्ड होते हैं। एक होता है फ्लैट वेल्ड, जिसको F से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड होता है ग्रू वेल्ड। फ्लैट वेल्ड है जिसको F से इंडिकेट किया जाएगा। सेकंड है ग्रू वेल्ड, जिसको G से इंडिकेट किया जाएगा। वेल्डिंग पोजीशन समझने से पहले हम लोग इसको वेल्ड के बारे में थोड़ा समझेंगे। वेल्ड, रनिंग वेल्ड दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट वेल्ड और दूसरा होता है ग्रू वेल्ड। फ्लैट वेल्ड को F से इंडिकेट कराया जाता है और ग्रू वेल्ड को G से हम लोग इंडिकेट करेंगे। ओके, ग्रू वेल्ड को बर्ड वेल्ड भी कहा जाता है। इसको हम लोग बर्ड वेल्ड भी कह सकते हैं। अब फ्लैट वेल्ड में कौन सा जॉइंट आता है, ग्रू वेल्ड में कौन सा जॉइंट आता है, वो पहले हम देखेंगे। फ्लैट वेल्ड में जिसको हम F से इंडिकेट करते हैं, इसमें आता है टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और लैप जॉइंट। ये आता है ग्रू वेल्ड में या बर्ड वेल्ड में, जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं। इसमें वी जॉइंट आता है, बेवेल जॉइंट आता है, जे जॉइंट आता है, यू जॉइंट आता है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। अब ये जो जॉइंट है प्लेट में भी पाई जाती है और पाइप में भी पाई जाती है। तो AWS के हिसाब से, यानी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के हिसाब से, हमें वेल्डिंग पोजीशन फ्लैट वेल्ड में वेल्डिंग पोजीशन जो होती है प्लेट की पोजीशन जो होती है 1F, 2F, 3F और 4F। और ग्रू वेल्ड में, ये प्लेट में हो गया, ग्रू वेल्ड
ग्रूव वेल्ड में हम देखेंगे तो प्लेट के लिए अलग पोजीशन होती है और पाइप के लिए अलग पोजीशन होती है। प्लेट के लिए 1G, 2G, 3G और 4G होता है। पाइप में जो होता है 1G, 2G, 5G और 6G होता है। अब हम लोग पहले देखेंगे इधर 1F, F means flat weld, ठीक है। 1 का मतलब है तुम्हारा फ्लैट पोजीशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में P लिख रहा हूँ। 2F का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3F का वर्टिकल पोजीशन, 4F का ओवरहेड पोजीशन। इसी तरह से प्लेट में यहां पर देखेंगे तो फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब यहां पर G का मतलब ग्रूव वेल्ड, यहां पर पहले G का मतलब देखेंगे हम लोग ग्रूव वेल्ड। फिर 1 का मतलब होता है फ्लैट पोजीशन, 2 का होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 4 का होता है, 3 का होता है वर्टिकल पोजीशन और 4 का होता है ओवरहेड पोजीशन, जैसा यहां पर फ्लैट वेल्ड में हमने देखा। अब पाइप में 1G है, 2G है, 5G है और 6G है। यहां पर 1 का मतलब होता है वही फ्लैट, 2 का होता है हॉरिजॉन्टल, 5 का होता है, 5G का मतलब होता है तुम्हारा ओवरहेड। ये टेस्ट पोजीशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जब वेल्डर को टेस्ट किया जाता है तो इस पोजीशन में टेस्ट किया जाता है। 6G का मतलब होता है इंक्लाइन पोजीशन, इसमें एक और आता है 6GR, यानी ये भी इंक्लाइन पोजीशन होता है मगर इसमें रिंग लगी होती है, पाइप के अंदर रिंग लगी होती है, इसीलिए इसको 6GR बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन यानी कि जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं नीचे साइड पर, यानी हमारा जो वेल्डिंग का जॉब है नीचे है और वेल्डिंग ऊपर से हो रही है, उसको फ्लैट पोजीशन बोलेंगे, जिसको हम लोग F से इंडिकेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में होता है ऐसा है कि तुम्हारी वेल्ड लाइन जो है जमीन फ्लोर से वो लेवल पैरेलल होती है, वेल्डिंग चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिसको H से इंडिकेट करते हैं। वर्टिकल में क्या होता है कि हमारा जॉब परपेंडिकुलर जमीन से रहता है, जिसमें 90 डिग्री बनी होती है। अब ये नीचे से यानी अपहील होता है, नीचे से भी स्टार्ट किया जाता है इसको ऐसा, और ऐसा ऊपर से भी नीचे आ जाता है, इसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं, जिसको V से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड पोजीशन, इसमें जॉब हमारे सर के ऊपर होता है और वेल्डिंग नीचे से की जाती है, इसीलिए उसको ओवरहेड पोजीशन कहते हैं। इसको O से इंडिकेट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ISO, ISO में वेल्डिंग पोजीशन कैसी होती है। अभी देखते हैं हम लोग ISO स्टैंडर्ड में।
ISO स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है कि वेल्डिंग पोजीशन जो होती है A टू Z के बीच में होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है PA, P मीन्स यहाँ पर जितने भी P दिया है, P मीन्स वेल्डिंग पोजीशन, PA फ्लैट पोजीशन 1G और 2G, यानी इसके अंदर ISO के अंदर फ्लैट वेल्ड और ग्रू वेल्ड इन दोनों को कंबाइंड किया हुआ है। AWS के अंदर फ्लैट वेल्ड को अलग किया था और ग्रू वेल्ड को अलग किया था। फ्लैट वेल्ड में कौन कौन से जॉइंट आते हैं वो अलग कर चुका है, और ग्रू वेल्ड में प्लेट और पाइप दोनों को अलग किया हुआ, मगर इसमें ऐसा नहीं किया। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आजकल ये भी चलता है, कई जगह पर जब वेल्डर को क्वालिफाई किया जाता है, टेस्ट मार के उसको देखा जाता है, तो इसकी भी सर्टिफिकेट से इसकी सर्टिफिकेट भी उसे मिलती है। PB यानी हॉरिजेंटल पोजीशन, यानी ये 2F में आएगा, फ्लैट वेल्ड में आएगा हॉरिजेंटल पोजीशन फ्लैट वेल्ड। PC हॉरिजेंटल पोजीशन 2G में आएगा। PD ओवरहेड पोजीशन 4F, PE ओवरहेड पोजीशन 4G में आएगा। PF वर्टिकल अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ये 3G भी होता है और यानी प्लेट में भी ग्रू में भी पाया जाता है और फ्लैट वेल्ड में भी पाया जाता है। PG यानी वर्टिकल डाउन, यानी ऊपर से वेल्डिंग शुरू करेंगे नीचे आके ख़त्म करेंगे, इसलिए उसको वर्टिकल डाउन, ये ग्रू वेल्ड और फ्लैट वेल्ड दोनों में रहेगा सेम। PH वर्टिकल अप मल्टी पोजिशन, तुम्हारा मल्टी पोजिशन में उसको वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, मगर वो नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। PJ यानी डाउन हैंड, वर्टिकल डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये भी मल्टी पोजिशन में पाया जाता है। सो आई होप आज का आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू।